कोरोना काल में मजदूर पर काल बन के कहर बरसाया फैक्ट्री मालिक ने। 20 साल पुराने श्रमिकों को स्लीपर प्लांट प्रबंधक ने काम से निकाला। पुरानों को निकाल कर नए श्रमिकों से काम किया जा रहा। मजदूरों ने जिला कलेक्टर, लेबर ऑफिसर, SDM से लगाई न्याय की गुहार। दरअसल मामला डोंगरगढ़ के स्लीपर प्लांट का है, जहां रेल मजदूर संघ ने प्लांट के कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को लेकर SDM दफ्तर में ज्ञापन सौंपा और हस्तक्षेप करने की मांग भी की। यूनिवेज स्लीपर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक व ठेकेदार ने 22 मजदूरों को काम से निकाल दिया है। इन मजदूरों का 20 साल से EPF और ESI कार्ड भी है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनने से प्रबंधक व ठेकेदार प्लांट व डायमेंशन विभाग के लोडिंग अनलोडिंग कार्य कर रहे श्रमिकों को कार्य पर न रखकर दूसरे श्रमिकों को उक्त विभाग में काम करा रहे हैं, जबकि 20 साल से काम कर रहे श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कोरोना संकट काल में श्रमिकों को काम से निकाल कर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पुराने श्रमिकों ने बताया कि प्रबंधक व ठेकेदार की साठगांठ से ही पुराने कर्मचारियों को काम से निकाल कर दूसरे नए कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। मामले की शिकायत करने के बाद भी मनमानी हो रही है। ऐसा करके श्रमिकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच कर्मचारियों का आधा वेतन भी दिया गया। पुराने कर्मचारियों को काम से निकालने से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। संघ के अध्यक्ष चितरंजन साहू, महामंत्री शेख मन्नू के नेतृत्व में स्लीपर फैक्ट्री के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। DNX TV के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। हम पिछले 20 वर्ष से डायमेंशन विभाग स्लीपर प्लांट में काम कर रहे हैं, अनलोडिंग अनलोडिंग का काम करके आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी कोरोना महामारी चलते काम से निकाल दिया गया है। अब बार बार निवेदन करने पर हमें काम में नहीं रखा जा रहा है, और हमने इनकी जानकारी सभी अधिकारी को दी है, फिर भी कोई अपना हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। कदम इस मीडिया माध्यम से और सभी देश लेबर इंस्पेक्टर क्या बोला अभी सर को भी बताया गया था कि हमारे को काम में नहीं ले गया, क्योंकि वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए हाथ खींच लिया है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर हम कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना पर बैठ जाएंगे, हम अनशन में बैठ जाएंगे। कितने साल से कर रहे हो काम? हम काम 20 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारा PF और ESI कार्ड भी है, लेकिन हमें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। फैक्ट्री में LO द्वारा भी आया गया था कि हमारे समस्या का समाधान नहीं किया गया है। किस किस के पास कंप्लेंट किए थे? हमने SDM साहब के पास और श्रम अधिकारी के पास और कलेक्टर साहब के पास कंप्लेंट करे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम जल्द से जल्द हमारे काम में वापसी किया जाए।